आज ईदी होम में वो बच्चे आए, वो स्टूडेंट्स आए जिनका ताल्लुक गजा से है, और फैसल ईदी साहब की जानिब से उनकी माली मावनत की गई। गजा में जो बम्बार्डमेंट हो रही है वहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटल की तरह बैंकिंग भी तबाह हो चुकी है। ये एक लड़की थी जिन्ना हॉस्पिटल में पढ़ती है, उसकी वालदा शहीद हो गई बम्बार्डमेंट में। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो खुद मुतासर हो गई हैं और टेंटों में चली गई हैं, इनके घर टूट गए। हम सिर्फ गजा के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, 25,000 रुपये पर मंथ हम 6 महीने तक इनको देंगे और ज़रूरत पड़ी तो 1 साल तक देंगे। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया जो है, तमाम मुस्लिम बरदरी जो है वो गजा के गम में बराबर के शरीक है, वहीं ईदी साहब की जानब से, फैसल ईदी साहब की जानब से एक और स्टाफ लिया गया गजा से मुतालिक बच्चों के, गजा से जिनका ताल्लुक था उन स्टूडेंट्स के लिए। आज ईदी होम में वो बच्चे आए, वो स्टूडेंट्स आए और जिनका ताल्लुक गजा से है, और फैसल ईदी साहब की जानब से उनकी माली मावनत की गई। मेरे साथ फैसल ईदी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से रब्ता हुआ और कितनी माली मामलत करेंगे और कब तक ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाज़िशा? फैसल भाई मुझे ये बताएं कि आज आपके पास कितने स्टूडेंट्स आए, कैसे रब्ता किया और कितनी माली मामलत आप करेंगे? ये तकरीबन पिछले 1 महीने से हमारे से रबतों में थे और ये काफ़ी परेशानी में थे क्योंकि गजा में जो बम्बार्डमेंट हो रही है वहाँ पर एजुकेशन, हॉस्पिटल की तरह बैंकिंग भी तबाह हो चुकी है। तो इनकी फैमिलीज़ जो इनको सपोर्ट भेजती थी वहाँ से, मंथली जो फाइनेंस भेजती थी माली मदद में, वो इनको नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो खुद मुतासर हो गई हैं और टेंटों में चली गई हैं, इनके घर टूट गए। कुछ के जो हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनके बुरसा जो है वो इंतकाल भी कर गए, शहीद भी हो चुके हैं इस बम्बार्डमेंट में। अभी एक लड़की थी जिन्ना हॉस्पिटल में पढ़ती है, उसकी वालदा शहीद हो गई बम्बार्डमेंट में, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, वो मिस्र चली गई है। उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मामूली सी रकम है, 25,000 रुपये पर मंथ हम 6 महीने तक इनको देंगे और ज़रूरत पड़ी तो 1 साल तक देंगे। और जो है वो तादाद इनकी जो है वो 70 के करीब है टोटल जो गजा के स्टूडेंट हैं। ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स 200 के करीब हैं और हम सिर्फ गजा के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और ताकि हमारी कोशिश है कि इनकी तालीम यहाँ पर मुतासर ना हो और इनको तालीम छोड़नी ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से फैसल ईदी बता रहे थे, यकीनन ये एक बहुत ही काबिल सताइश अमल है कि जहाँ पूरी दुनिया सिर्फ ज़बानी मजम्मत कर रही है, वहाँ फैसल ईदी ने इतना बड़ा स्टाफ लेके इंडिविजुअली इन स्टूडेंट्स की माली मावनत करके ये साबित किया कि पाकिस्तानी अब भी फ़लस्तीन के जो लोग हैं, फ़लस्तीन से जो हमारे भाई हैं फ़लस्तीन के, उनको अपने ही समझते हैं।